और मैं न्यो कह रहा हूँ कि कानून बहुत खराब है। जब सभी सौदा प्राइवेट को है जाएगा तो हम फिर गुलामी करेंगे कि ना करेंगे, कि फिर दोबारा आते देश है गुलाम कर बे डोल रहे। नानक ताऊ यूट्यूब पर इस समय बहुत चर्चित हैं, हमारे साथ नानक ताऊ हैं, इनसे बात करते हैं। ताऊ राम राम। राम राम भैया, राम राम जी, राम ताऊ राम। ये बताओ 70 दिन से ऊपर हो गया। हाँ जी, कहीं से तो बात बनेगी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कहीं तो कुछ ना कुछ तो शुरुआत होनी चाहिए। भैया हम तो वैद्यनाथ बैठे हैं, शुरुआत हूँ। जैसे ही हमें बुलावे कभी विज्ञान भवन आ जाओ, कभी काई भवन आ जाओ, तो हम तो भैया जाएं खूब बात करवे और बात करवे जाएं, पर कोई बात पावे ढाक पे तीन पार, बात हुई कहीं हुई पावे चले आवे। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या की आ रही है कि गो तो न्यो कह रहे हैं कि कानून बहुत बढ़िया है, सरकार तो कह रही है कानून बहुत बढ़िया है, और मैं न्यो कह रहा हूँ कि कानून बहुत खराब है। कैसे खराब है बताओ तो। ये बता रहा हूँ मैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जब भारत आज़ाद भयो, पहले भी जिम्मेदारन के ही हम गुलाम है, हमें तो सवेर शाम तक काम करवावे, शाम को मजदूरी ना के समान दे, वो जिम्मेदार पहले उन पर। जब हम देश आज़ाद भयो, आज़ाद के बाद में कि सरकार बनेगी हम में थे, हमारे द्वारा ही सरकार बनेगी, और सब सौदा सरकार को, सब विभाग सरकार के, हम नौकरी जो पढ़ेगो लिखेगो वो नौकरी सरकार में करेगो, यही व्यवस्था ही। लेकिन की जो सरकार आई का है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इनको कहनो गए है, ये जो कह रहे कहाँ कि इनको कहनो है कि सरकारी विभाग घाटे में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं घाटे में? कि सरकारी विभाग के कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, या ये तो कह रहे हैं? हाँ। कुछ और मैं गलत तो ना कह रहा? सही कह रहा हूँ तो बिल्कुल। अब जो सरकार के कर्मचारी, मैं तो ही तो पूछना चाहूँ, जो भारत सरकार का नौकर है वो तो आराम से ही तो काम करेगा, वो मास्टर भारत सरकार का है, मास्टर जो भारत सरकार का है वो तो 4 घंटे पढ़ावे चाहे वो 2 घंटे पढ़ावे, प्रोफेसर है 2 ही घंटा ले, बाकी क्वालिफिकेशन है है? वो कई प्राइवेट को तो गुलाम है ना, कि जो लठ से करवा लेगो, चूंकि प्राइवेट कराता है लठ से। ये सरकार हर चीज को इसी घाटे की वजह से कि रेलवे घाटे में प्राइवेट को दे दो। अब बता तू प्राइवेट को चली गई, वहाँ में नौकरी करने वाले भारत सरकार के तो नौकर रहे ना, वो है, है? कंपनी एक प्राइवेट के, निजी आदमी के, जो पहले था निजी, जो राजा पहले के बच्चू सिंह और वहाँ के, समझ रहे मेरी बात? तो जो राजान पे गई, अब वो एक का है, वो हमारे पहले से मानते हैं कि ड्राइवर 4 घंटे 6 घंटे गाड़ी चलाएगा, लेकिन वो तो लठ करेंगे कि 12.5 घंटा चलवाएंगे, हैं 12 घंटा चलवाएंगे और पैसा भी अपने वाते देंगे। तू देख रहो प्राइवेट में कितनी तनख्वाह देते हैं, मनचाही देते हैं, तू कर छोड़, तू दूसरा आवेगा, एक पेंसिल है नहीं, पेंसिल है नहीं तो एक निकलेगा दूसरे फिर ले लेंगे, हैं कम पर काम करने पर आएगा, तो हम धीरे धीरे गुलाम होते चले जाएंगे कि ना चले जाएंगे? हम दो आदमी के जब सब स्वास्थ्य है वो, ये दो आदमी कौन है? अरे दुनिया बता रही, 2-4 जो कंपनी है, कोई अड़ानी अम्बानी कौन कहिए, मैं कह इतना कहूँ वो खबर है कौन कहा है, पर बता हमें कि वो अड़ानी अम्बानी कहिए, उनने गोदाम भी बना लिए। दूसरों कानून है कि जब सब इकट्ठो कर लेंगे और तो वो अपने मनमाने रेट पर देगा कि ना दे, ऐसे ही पहले जिम्मेदार भर ले खत्तान में, फिर हमें सवाए पे दिए, कुछ होना सगरे ले जाए, हम भूखे गुलामी करें कि ना? वाइया की सरकार कर रही है, यानी अपनी जब तक या की चलती भाई रेलवे या के हाथी, मोदी जी के सरकार के जहाज या के हाथे, सड़क या के हाथी, बिजली या के हाथी, और ये का नाम है तो स्वास्थ्य इनके हाथों, शिक्षा इनके हाथी, इनने के सब प्राइवेट में दे दे, बैंक वो प्राइवेट में जा रहे हैं, समझ रहे मेरे बात? जब सभी सौदा प्राइवेट को है जाएगा तो हम फिर गुलामी करेंगे कि ना करेंगे? अब रह रही एक, जैसे मैं नौकरी नहीं करता, मैं ना करूँ कहीं गुलामी, मेरे मन में आवे जब काम है करूँ, जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जब हल चलावे हो, खेत बड़ो कर रहो जुते हो, पर अब ट्रैक्टर आ गए तो बखत्ते निबट जाऊँ, मैं तो करना रहो। लेकिन ये सरकार चाह रही है कि एक किसान ही बच रहो बस, जो हम ते गुलाम ना है रहो, ये अपनी मालिक है अपनी को, जाए चाहे वाय भवे, मैं यहाँ तक भी है, तू धूम्रपाने खूब रोक दे, खूब सरकार के लगा दे कानून, बेटा 4 पेड़ तम्बाकू के अपने खेत में बैलंगो, ठाट के पीऊँगा हुक्का है, मैं कई के दबे में तो हूँ ना, लेकिन ये सरकार चाह रही है कि याऊ के खेत को कॉन्ट्रैक्ट कर दियो जाए, भारत माँ को भी, जाए मोदी जी ना के भारत माता की, भारत माता कहाँ है पूछूँ मैं तो, ये धरती को टुकड़ा है नक्शा है, ये है भारत माता, और वाई को कर रहे हैं कि मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट, कई एक के हाथ में दे रहे हैं, वह भारत माँ है, ये है लड़ाई हमारी। मोदी जी कह रहे हैं एक फ़ोन कॉल की दे रहा है, फ़ोन आ जाए तो बात कर लें।
अरे हम तो फोन कॉल का बता दो कौन सा नंबर है हमें, हम तो वही तो बतरा ले, मोदी जी तो बतरा ले। दो ही बातें भाई, तो खूब बतरा ले चाहे मत बतरावे, दो बातें इन कानून ने वापस पहले जैसा ही रहेगा हैं। और जो तुम रेट बता रहे हो, जबकि किसान भी प्रोडक्ट करे माल है ना, कंपनी भी प्रोडक्ट करती है, कंपनी तो अपना रेट आप रखती है, वह कहा के MRP के गए MRP करेंगे हमने के, तो हमारी MRP छोड़ हमारी MSP रिंदा है, मिनिमम रिंदा है। तुमने ही तो बनाए रेट 1850 बाज रहो, तुम्ही तो कह रहे हो 1850 धान, तुम्ही तो कह रहे हो, लेकिन वह हमारे ले कैसे ना हो वहाँ पे। अरे कानून बना जो कि वह तो नीचे खरीदे कोई ना, कम से कम तुम नौकरी करने बात समझने की है, तुम नौकरी करते हो तुम्हें इतना तो पता लग गया कि 20 रुपये भाई ये 19 खरीदेंगे तो तुम्हें 20 मिलेगा, भाई 1 रुपया तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें 20 मिल जाएगा तो तुम्हें न्यू तो उम्मीद है गई कि 20 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, दाल या भाव मिलेगी, तो तुम अपना बजट उसी हिसाब से बनाओगे है नहीं। और जब एक आदमी इकट्ठी करके रख लेगा, जैसे प्याज रख लें, प्याज 80-90 तक पहुँचे है बेटा, गो कौन की है, किसान की थोड़ी बिके, वो बिके तो वाह किए जाने इकट्ठी कर लिए हैं, जाने भंडारण कर लियो, और ये सरकार कह रही है कि कितनों भंडारण कर ले, एक ही भल्ले को गेहूँ ने, फिर तू हमें का भाव मिलेगा गेहूँ, वह जो रामदेव है वो लगा पेट हला के हड़ रबड़ कर रखा है, वो रामदेव है आज वह घर गेहूँ है रे, वह चक्की है, वो जाने उना गेहूँ कब बह जाए, वह इन्होंने पता गेहूँ कब बह जाए, क्या पानी लगे गेहूँ में पतो ना, वह बाबाजी है। और गो अपने गेहूँ हमारे ने 15 रुपये किलो लेके और अपनो ठप्पो लगा के 30 जन 40 बेच रहो, कही है 40 बेच रहो कि ना बेच रहो, कहा तुम ये कराना चाहो कि अड़वानी अम्बानी भी तुम्हें 50 रुपये किलो गेहूँ दे, गे है बेटा लड़ाई हमारी। ताऊ एक बात बताओ, लाखों की संख्या में यहाँ पे किसान आ रहे हैं, हर अब ये जो आंदोलन है ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, इससे पहले कभी आपने ऐसा आंदोलन देखा, क्योंकि आप तो कई सावन देख चुके हो, ऐसा आंदोलन और पहले आंदोलन तो उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? देखो मैं बताऊंगा बेटी, आंदोलन जब भी भय, आज़ादी के आंदोलन जब भी भय, अब तक ये छोटे मोटे कोई नौकरी को आंदोलन कोई काई को हम छोटी मोटी बात के आंदोलन करे, पहले भी देश आज़ाद कराओ, जब भी कंपनी आई ये फौज कछू ना छोड़ेंगे, जो कंपनी तो अपने माल विदेश में बेचेगी जहाँ फायदा, ये सब सौदा हुआ ये करवे डोलें, ये फिर दोबारा आते देश है गुलाम करवे डोलें, ऐसे ही कंपनी जब आई, जब भी भारतवर्ष एक भयो बेटा, हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी हम सब, सबके योगदान है, इतिहास भरो परो है कि कितने फांसी पर चढ़े, कितने दीवार में चिनवाए गए है ना, सगरों इतिहास भरो परो है। और ये दोबारा अब तक किसान को आज़ादी ना मिली है ना, किसान को आज़ादी हल्की सी दई मनमोहन सिंह की सरकार में जो 13 में कानून पास किया है, अब हम जमीन के पूर्ण मालिक हैं, हमारी ज़मीन को कोई अगर हम 70% राजी नहीं होते हैं ना तो हमारी ज़मीन में कोई पार नहीं रख सकता, ये कानून बन चुका है। अभी मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट भाई कह रहे हैं अगर हम 70% राजी नहीं होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट को तो हमारी ज़मीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, ये कानून बन चुका है। कीलें गाड़ दी, तारे लगवा दी, बैरिकेड करवा दिया और अब कीलों को हटवा दिया, वो बाबा की बात है वहाँ की जो हटवाई न्यू है, जब बदनामी लगी है कि तुम यार पाकिस्तान बना रहे हो गया देश के ही है, इन्हें बदनामी लगी है वहाँ ने कही आप ही देख तू आप ही हटाएंगे, ऐसे ही ना कानून हटा लेंगे कि हटाएंगे तू देख तुम्हारे। चलिए यही सभी पूरे देशवासियों की इच्छा है, 80% जो किसान है वो चाहते हैं कि ये किसी कानून बिल है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इसी पर बेबाकी से बात रखी अपने ताऊ ने। अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गाजीपुर, दिल्ली।